चित्राधिकरण के अन्य दृष्टांतों ले रहे थे। क्या क्या था? पृष्ठ, आज्य, बहिष्पमान, तीन का उनका वर्णन करने आरंभ करें। पहले बहिष्पमान से शुरू करते हैं। यथा चित्रा शब्दे नामधेयत्वं तथा बहिष्पमान शब्दे, आज्य शब्दे, पृष्ठ शब्दे च तत्कर्म नामधेयत्वं योजनीयम्। एक ही दृष्टांत के अन्य दृष्टांतों में ले लेना। वाक्य भेद का भय से वाक्य भेद एक दोष होता है। अर्थ संग्रह विस्तारपण है। विरुद्ध त्रिकद्वेश आवृत्ति रूपा सब अलग अलग प्रकार का वर्णन किया। उस दोष के भय की वजह से चित्रा शब्द को नामधेय आपने तय किया। उसी प्रकार से बहिष्पमान शब्द को, आज शब्द को, पृष्ठ शब्दों को भी तत्त कर्मों का नामधेय करके व्यवस्था कर लेनी चाहिए। क्या है बहिष्पमान, क्या है आज शब्द, पृष्ठ? पृष्ठ शब्द का अर्थ वैसा माने रूढ़ गया है पीठ अर्थ में। आज शब्द का अर्थ घी अर्थ में। क्या वही अर्थ में लिया जाए या नाम करना है तो नाम किस अर्थ को लेकर नाम किया जाए इसको? ऐसे विचार कर रहे हैं कि सबसे पहले बहिष्पमान को शुरुआत करते हैं। एवं श्रूयते त्रिवृत्त बहिष्पमान मिति। त्रिवृत्त बहिष्पमान स्तोत्र है। पंचदश आज्यानि और सप्तदशानि पृष्ठानि। पंचदश आज्य स्तोत्र होते हैं और सप्तदश पृष्ठ स्तोत्र होते हैं। इन वास्तव में वहाँ पर इतनी ऋचाएँ है ही नहीं। नौ ऋचाएँ नहीं है वहाँ, तीन हैं। तीन को नौ बना के गाना पड़ता है। और इन सब में भी इसी प्रकार से आगे पंद्रह बनाने हैं, सत्रह बनाने हैं। कितने हैं वहाँ, उनको कैसे बढ़ाना है, किस तरह से करने हैं, ये सब के आधार पर उनका नाम रख दिया जाता है बहिष्पमान इत्यादि। अस्य वाक्य त्रयस्य अर्थ विव्रियते। इन्हीं तीन वाक्य त्रिवृत्त बहिष्पमानम, पंचदशियानी आज्यानी और सप्तदशानी पृष्ठानि, इन तीन वाक्यों का पहले अर्थ समझ लो। विषय वाक्य को समझे बिना संशय नहीं समझ में आएगा। संशय नहीं समझ में आया, पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष क्या समझ में आएगा? इसे पहले विषय वाक्य कि आप लोगों को पता है इनको भी कि भविष्य में लोग को कर्मकांड करने वाला कोई रहेगा नहीं, कर्मकांड के बारे में कुछ ज्ञान ही नहीं रहेगा, क्या समझेंगे ये? ये कर्मकांड करने वाला ब्राह्मण हो, उसको भविष्यमान शब्द सुनते ही समझ में आएगा क्या है सब क्या नहीं है। ना आप लोगों को सुन के साथ क्या समझ में आया? ये कभी कर्मकांड किए नहीं और कर्मकांड होता हुआ देखे भी नहीं, और देखे भी है तो क्या हो रहा है मालूम भी नहीं। मालूम होने के लिए कोई आचार्य बैठ के बताएगा तब ना। हम यहाँ सोमयाग हो रहा था, कांची कामकोट शंकराचार्य आए थे बनारस में 87 में, जब हम लोग पढ़ रहे थे पट्टा ब्रह्म शास्त्री जी से, उनको आचार्य बना दिया कि कौन उन्होंने शंकराचार्य जी का आदेश पालन करते आचार्य बन गए। तो हम विद्यार्थियों को बोला देखो यज्ञ मंडप के इस जगह पर हम बैठेंगे, यज्ञ मंडप बाहर तुम लोग पीछे बैठ जाओ, अंदर प्रवेश ही नहीं, बाहर बैठना। हम एक एक बात समझाते रहे क्या क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, आगे क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा, क्रम से हो रहा है सब आपको समझाते जाऊंगा ताकि पूरी मीमांसा दर्शन आपको मुट्ठी में हो जाएगा। एक वैदिक याग सम्यक जान लिया आपने, बाकी सब समझ में आएगा। वो एक जो है सोमे हमारे लिए एक तरह से प्रायोगिक व्यवस्था प्राप्त हो गई। जैसे होता ना लेबोरेटरी में ले जाते हैं प्रैक्टिकल कराते हैं, हमारे लिए वही प्रैक्टिकल प्रायोगिक व्यवस्था बन गई। और लेबोरेटरी हमारे शास्त्र में और कुछ है नहीं, जो सामने यज्ञ हो रहा है वही लेबोरेटरी है। तो कब क्या होता है, कैसे कैसे होता है, बस सोमयाग में तो इस ज्योतिष्टम का ही वो एक तरह से विकृति आ गया सोमयाग। अतः जो कुछ भी ज्योतिष्टम याग में वर्णन करेंगे वो सब वहाँ सोमयाग में होता है। बहिष्पमान क्या है बताएंगे पहले आपको। सामगानाम उत्तर ग्रंथे त्रिऋचात्मकानि सूक्तानि आमनातानि। सामगायकों के लिए बना हुआ सामगायन के जो ग्रंथ में भी पूर्व ग्रंथ और उत्तर ग्रंथ दो हिस्सा है, उसे उत्तर ग्रंथ में तीन ऋचात्मक एक सूक्त का पाठ किया गया है। वह तीन ऋचाएँ कौन है? तत्र उपास्मै गायता नरो इत्यादि आद्य सूक्त है। द्विद्युत्तं द्विद्युतत्वा
रुच इति द्वितीय ऋचा है, पवमानस्य ते खावा इति तृतीय सूक्तम, तीन सूक्त है अलग अलग अलग, उसके एक एक हिस्सा मात्र दिखा दिया आपको, शुरुआत इतना ही नहीं है, लंबा चौड़ा है वो। ज्योतिष्टोमस्य प्रातः सवन अनुष्ठाने तेषु सूक्तेषु गायत्रम सामा गातव्य, ज्योतिष्टोम के प्रातः सवन काल में अनुष्ठान काल में इन सूक्तों तीनों सूक्तों को गायत्र साम जोड़ करके गाया जाएगा। जैसे भजन में राग जोड़ के गाते, एक ही भजन अलग अलग रागों में गाया जा सकता है, राग अलग होता है, भजन अलग होता है, इसे साम गान अलग चीज़ है और जो ऋचाएँ जो स्तोत्र जो सूक्त ये अलग चीज़ है, सूक्त भजन के जैसा है और राग वगैरह क्या है साम, गायत्र साम अलग अलग नाम से अलग साम है, अनेकों साम है, चांदी उपनिषद सब सामों का वर्णन आया हुआ है कई सामों का। तो गायत्र साम को आरूढ़ करना है किस में, इन तीन सूक्तों में और गायन करना है, ये अमुक भजन है इसकी राग से गाइए व्यवहार होता है लोक में, जैसे इन ऋचाओं को अमुक साम से गाना ये वैदिक व्यवहार है। तो गायत्र साम से इनको गाया जाएगा। तरीदम सूक्तत्रय गाना साध्यम स्तोत्रम भविष्पमान मित्युच्चते, एतादृश सूक्तत्रय के द्वारा गा करके जो साध्य स्तोत्र है उस स्तोत्र का नाम भविष्पमान स्तोत्र है। सूक्तों को जब गायत्र साम से गाएंगे तब उसका नाम पड़ता है भविष्पमान। तत्र अवस्थिता नाम ऋचाम पवमानार्थत्वात्, और उसमें अवस्थित जो ऋचाएँ मुख्य रूपेण वायु देवता संबंधी है, पवमानार्थक है, अतएव उसका नाम पवमान शब्द भी पड़ा। और भैशब्द क्यों जोड़ा, भैष्पवमान क्यों कहा आपने उसको, तब कहते भैसाद संबंधाच, बाहर उसका संबंध है, कहाँ से बाहर, अधिकतर साम गान जो होता है वह कहाँ होता है, न खलु इदम स्त्रोत्रम इधर स्त्रोत्रवत सदो नामक से मंडपस्य मध्य, सदो नामक बड़ा एक मंडप होता है उस एक हिस्से को सदो नामक का मंडप कहा जाता है, घेरा बना देते हैं और उसका ये सदो नाम का मंडप है, केवल रस्सी बांध देते हैं, इधर एक खुट्टी इधर खुट्टी काट दिया यहाँ रस्सी बना दिया, बूच में पीछे जो बताया ना उधुम्बर लकड़ी का युग बना के गाड़ते हैं जिसको छू करके वो मुख्य गायक उद्गाता साम गान करता है, लेकिन अधिकतर सब स्तोत्र को वहाँ बैठ के गाना होता है, सामवेदी लोग वहीं बैठ के साम गान इन ऋचाओं का किया करते हैं, लेकिन भविष्यपमान में इसका नाम भी रख दिया, इसीलिए चाहे होश में रहे आदमी वहाँ बैठ के ना करे बाहर करे, सदो मंडप से बाहर करना है, इसे इसका नाम पड़ गया भविष्य, देवता कौन है वायु, इसका नाम हो गया भविष्यपमान। सदो मंडपस्य न सदो नामक से मंडपस्य मध्य औदम्बर्य स्तंभ शाखाया सन्निधौ प्रयुज्यते न खलु प्रयुज्यते, ये जो है अन्य जैसे स्तोत्र इदम स्तोत्र इतर स्तोत्र के समान वहाँ प्रयोग नहीं होगा, अब बल्कि वहाँ से बाहर आएंगे, बाहर आकर वे कैसे अपच्छेद न्याय पढ़े त्यार संग्रह में याद है या नहीं, चांदी के प्रसाद में भी आया था शौव साम में कुत्तों ने सामगान किया, चांदी के प्रसाद में आया ना कुत्तों ने सामगान किया, क्या कहिए वो कैसे किए, बड़ा कुत्ता था उसका पूछ को दूसरा कुत्ता मुंह में पकड़ लिया और दूसरे का तीसरे ने मुंह में पकड़ लिया, तीसरे का चौथे ने, ऐसे छोटे से छोटे पिल्ले तक सब के सब जो है एक दूसरे की पूछ पकड़ के थोड़े आगे जाते हैं थोड़ा पीछे आते हैं फिर आगे जाते हैं फिर पीछे आते हैं, ऐसे पूरे एक पत्थर के चार दर घूम के लिए और सब छोटे एक ही तो पूछ छोड़ देते हैं सब सामने बैठ जाते हैं, बड़ा जो कुत्ता है पत्थर पर आके बैठता है सूर्य को देखते हुए साम गान करता है, उसे ब्रह्मचारी सुन रहे थे जिस ढंग से गाए वो देवताल उस रूप में आए थे उसको बताने के लिए शव साम, सर उसका नाम कुत्तों से गाया गया साम से शव साम, वो जिस तरह से चलते हैं उसी को विशेष तरह से चलना होता है उसका नाम दे रहे देखिए यहाँ पर, किंतु सदोह वही प्रसर्पद भी प्रयुज्यते, प्रसर्पद भी प्रसर्पण करते हुए
यहाँ क्या होता है, ऋत्विक कैसे प्रसर्पण करते, वहाँ तो पूछता आदमी का पूछ पकड़ लिया उन कुत्तों ने एक दूसरे के। यहाँ क्या होता है, धोती का जो कच्छ होता है पीछे धोती पहनते हैं, आगे अधूरी जाएगा उसके पीछे ऋत्विक उसका कच्छ को पकड़ेगा, उसके पीछे वाला उसको पकड़ेगा, ऐसे करके पूरे 16 ऋत्विज पकड़ेंगे एक दूसरे का कच्छ को। और एक दो कदम आगे जाना होता है, एक कदम पीछे, फिर दो कदम आगे, फिर एक कदम पीछे, ऐसे पूरी एक परिक्रमा करते हुए रहेंगे। जब ऋत्विक को प्रतिज्ञा कर रहे हैं उनके साथ साथ सायं गायक भी परिक्रमा करेंगे, वैसे ही चलेंगे, आ दो कदम आगे कदम पीछे गाते हुए चलेंगे, इसलिए इसका नाम भैष्पोमान स्तोत्र है। बहुत सुंदर दृश्य होता है, देखने लायक रहता है, कहीं कोई सोमयाग होता हो, भैष्पोमान स्तोत्र पाठ होता हो तो खड़े होकर देख लेना, बहुत आनंद आता है। अज्ञा गायन की तरीका बहुत साम गायन है ना, अभी गायत्री साम गा रहे हैं, दिव्य साम है, सभी सामों में महान है, भरत साम के बाद गायत्री साम का नाम है। किंतु सदसो बही प्रसर्पद भी प्रयुज्यते तस्य भविष्यमानस्य त्रिन्नामकम स्तोम भवति। इस भविष्यमान स्तोत्र में ये जो तीन सूक्त है उनको 3×3 9 बना करके गाया जाता है, इसे उसका नाम पड़ता है त्रिवृत्त स्तोम। स्तोत्र से नाम पढ़ा भी, जब उसकी संख्या बढ़ा दी आप उसका नाम हो गया स्तोम, और बढ़ाने की प्रक्रिया होगी वो प्रक्रिया का नाम अलग रखेंगे, याज्ञिक के सब नाम है। तस्य च विश्वस्य त्रिवृत्त नामकम स्तोम भवति, तस्य च स्तोमस्य विधायकम ब्राह्मण वाक्यम एवं मामनायते। स्तोम के विधायक ब्राह्मण वाक्य इस प्रकार से, तिसृभ्यो हिंगरोति स प्रथमया, तिसृभ्यो हिंगरति स मध्यमया, तिसृभ्यो हिंगरति स उत्तमया, उद्यति त्रिव्रत विष्टति रीति। ये विधि वाक्य इस प्रकार स्वयं समझा रहे, अयम मर्ता उसका नाम क्या होता है, विष्टुति विशेषेण स्तुति, यदि विष्टुति विशेष तरीके से स्तोत्र पाठ करना, और उसके भी अलग अलग प्रकार है। ये जो प्रकार इसका नाम है उद्यति, तीन है, उद्यति परिवर्तिनी और जो है कुलायिनी, तीनों को बता रहे हैं आप, किसमें क्या क्रम होता है वो भी वर्णन कर रहे हैं। अस्य अयम अर्था सूक्तत्रय पठितानाम नवानाम ऋचाम, सूक्तत्रय में पठित है 9 ऋचाएँ, प्रत्येक में 3-3 ऋचाएँ हैं, इसलिए आप क्या करेंगे, पहले सूक्त का नाम रख दो क, दूसरे सूक्त का नाम ख, तीसरे सूक्त का नाम ग, क ख ग, अथवा अंग्रेज हैं ABC लिख लो, और प्रत्येक सूक्त में 3-3 ऋचाएँ ना, तो क्या लिखेंगे, क 1 क 2 क 3, पहले सूक्त के 3 ऋचाएँ, ख 1 ख 2 ख 3 और ग 1 ग 2 ग 3, अथवा A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 ABC नाम, तीन सूक्त का नाम, उनके प्रत्येक ऋचा 3-3 ऋचा, 1-2-3 1-2 इस करें। अब क्रम बताऊंगा किस क्रम से गाया जाएगा। उद्यति नाम किस विशेष में बता रहे, देखिए गानम त्रिवी पर्याय करते, ये 9 ऋचाएँ हैं, 3 सूक्त है, उन 3 पर्यायों में इनको गाया जाएगा। तत्र प्रथमे पर्याये त्रिषु सूक्तेषु आद्यास्त्रसर्चा, तीनों सूक्तों के पहली ऋचाएँ पहले गाएंगे। समझ में आ रहे जी? नहीं समझ में आया? ए का पहला, बी का पहला, सी का पहला, का का पहला, खा का पहला, गा का पहला, उनको पहले गा लो, जो तीनों सूक्तों के पहले को पहले 12 में 3 हो जाएगी इस प्रकार से। तथा प्रथमे पर्याय में त्रिषु सूक्तेषु आद्यस्तिस्र ऋचः, और द्वितीय पर्याय में क्या करना, मध्यमा बीच वाले माने A2 B2 C2, क दो ख दो ग दो को पाठ करना है, फिर तृतीय पर्याय च उत्तमाः A3 B3 C3, क तीसरा ब तीसरा और ग तीसरा, ऐसे करके पाठ करना पड़ेगा। तिसृभ्य तृतीय अर्थ पंचमी, सब जगह तिसृभ्य जो बोला जा रहा है वह पंचम अर्थ में, तिसृभ्य अर्थ में लेना तृतीया को,
हिं करोति करते गायति, विधि वाक्य में जो हिं तिसृभ्य हिं करोति, तिसृभ्य मने वहाँ पर तृतीय अर्थ में पंचमी हुई है, त्रिभी अर्थ है, तिसृभ्य लिखा है विधि वाक्य में और क्या अर्थ क्या हो जाएगा त्रिभी, करण अर्थ में ले लेना, और हिंकार करते गायति, तीन तीन ऋचाओं को गाना है, प्रत्येक सुक्त का पहला पहला को तीन को, इस दूसरे बार में प्रत्येक सुक्त का दूसरे 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 को, तीसरे बारे में प्रत्येक सुक्त का तीसरे 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 को, एक क्रम से गाना है। श्रुति प्रकार विशेष येयम यथोक्त प्रकारोपेता गीति, इस यथोक्त प्रकार से जो गायन किया जाता है इसका नाम है त्रिवृत स्तोम, उसका विस्तुति जो प्रकार है जो किया आपने स्तुति प्रकार विशेष किया उसका नाम क्या होता है, अस्य विस्तुतिर उद्यति नाम, उद्यति इसका नाम हुआ, इसका नाम क्या है उद्यति नाम इति एवं, और दूसरी प्रकार से भी गाई जा सकती है, उसका नाम है परिवर्तिनी एवं परिवर्तिनी और कुलायिनी इति द्वे विस्तुतौ, विस्तुति तीन प्रकार के माने गायन के प्रकार को तीन कर दिया, उद्यति परिवर्तिनी और कुलायिनी, उद्यति की प्रक्रिया बता दिया और परिवर्तिनी और कुलायिनी कैसे होता है, तयोः परिवर्तिनी इन दोनों में से, परिवर्तिनी और कुलायिनी इन दोनों में से परिवर्तिनी में कैसे होगा, एवं मामनायते चिसृभ्यो हिं करोति सपराचिभिः, चिसृभ्यो हिं करोति सपराचिभिः, चिसृभ्यो हिं करोति सपराचिभिः, परिवर्तिनी त्रिवृति तिष्ठुतिरिति, ये विधि वाक्य इसका परिवर्तिनी का, इसका अर्थ क्या होगा, यदि पराचिविर अनुक्रमेण आमनाताभिरित्यर्थ, पराचिविर अनुक्रमेण आमनाति माने यहाँ पर जैसा पाठ था वैसे करना, A1 A2 A3 पूरा पहले बार पर्याय में, फिर B1 B2 B3 दूसरे पर्याय में, फिर C1 C2 C3 तीसरे पर्याय, जिस सूक्त के जो ऋचाएँ जिस क्रम से थे उसी क्रम से रखते हुए तीनों सूक्तों को पाठ करने हैं, ए का तीनों बी का तीनों सी का तीनों, पहले क्या किया था ए का पहला बी का पहला सी का पहला तीन करके पहले ले लिए थे, अब ऐसा क्रम नहीं, अब ये प्रत्येक सूक्त का तीनों मंत्रों को एक साथ बोलो, फिर दूसरे सूक्त का तीनों एक साथ ले लो, फिर तीसरे सूक्त का तीनों एक साथ ले, इसका नाम है परिवर्तिनी। अब कुलायिनी एवं आमनायते, कुलायिनी कैसे होता है, तिसृभ्यो हिं करोति सपराच भी तिसृभ्यो हिं करोति, या मध्यमा या प्रथमा या उत्तमा, सा मध्यमा या प्रथमा सा उत्तमोत्तमा, तिसृभ्यो हिं करोति या उत्तमा सा प्रथमा या मध्यमा सा मध्यमा या मध्यमा सा उत्तमा या प्रथमा सा मध्यमा या मध्यमा सा उत्तमा, कुलायिनी इति त्रिवृत्ति विष्टुतिर इति, ये कुलायिनी त्रिवृत्ति विष्टुति हो गई। यहाँ क्या हो रहा है, पहले में A1 A2 A3 रखा, A1 A2 A3 उपराची भी मैंने जैसे पाठ है वैसे कर दो बोल दिया, बी में फर्क कर दिया, बी में क्या कर रहे हैं, या उत्तमा पहले क्या लिया, नहीं नहीं पहले इंकरोती पराचर हो गया, तीसरे इंकरोती या मध्यमा सा प्रथमा हो गया, मैंने B2 पहले ले लो, मध्य था B2 पहले लिया, फिर या उत्तमा सा मध्यमा मैंने B3, फिर या प्रथमा सा उत्तमा B1, B2 B3 B1 एक क्रम कर दिया, क्रम बदल दिया ना, B1 को अंत में ले गए, बीच वाले को पहला ले लिया, फिर अंत वाले को बीच में ले लिया, पहले वाले को अंत में ले गए, B2 B3 B1 एक क्रम हुआ। अब सी में क्या बोल रहे देख लीजिए, सी में फिर बोल दिया तीसरी हिंकर दी या उत्तमा सा प्रथमा, सी में त्री को पहले लाया, उत्तमा को पहले C3, फिर या प्रथमा सा मध्यमा अने C1 आया, फिर या मध्यमा सा उत्तमा C2 आया, C3 C1 C2 ये कुलायिनी नाम का प्रक्रिया है, इसका नाम कुलायिनी त्रिवृत्त पाठ करने की इति। अत्र प्रथम सूक्ते पाठक्रम एव, ये प्रथम सूक्त में क्या है जो पाठक्रम है वही रहेगा, A1 A2 A3 पाठक्रम को इधर उधर नहीं किया जाएगा, द्वितीय मध्यमोत्तम प्रथमा मध्यम उत्तम और प्रथम कर दिया B2 B3 B1 कर दिया, और तृतीय में
उत्तम प्रथम मध्यमा मैंने C3 C1 C2 कर दिया गया, इस प्रकार से कर देना। तदिदम विष्णुति त्रयम विकल्पितम, यह विष्णुति त्रय का विकल्प प्रस्तुत है। तो अनेक दिन सौम्याग होता है, इसे पंडित लोग क्या करते हैं, फर्क करने के चक्कर में लोगों को सुनने वालों को अलग होना चाहिए ना। एक दिन इसको लेंगे विद्युति, एक दिन परिवर्तन के अनुसार गाएंगे, एक दिन जो है कुलायन के अनुसार गाएंगे। जो नया आदमी सुनेगा सोचेगा कल तो दूसरे मंत्र बोले थे, आज तो दूसरे मंत्र बोले थे, आगे पीछे हो गया ना, वो अच्छा भी लगता है। इसे तीन विकल्प दिया गया भविष्य भवन का पाठ क्रम में। तैजम विष्णुति त्रयम विकल्पितम त्रिविशब्द ईदृशम स्तोम स्वरूपम अर्थ न तो त्रिगुण्यम, इसलिए त्रिवृत शब्द का अर्थ इस प्रकार से स्तोम का गायन करने का नाम है। ये तीन गुणा करो ऐसा अर्थ नहीं करना, यहाँ तीन गुणा करना नहीं है। तीन तीन ऋचा नौ ऋचाएँ तो है ही है, तीन गुणा क्या करोगे, तीन का तीन नौ होगा, नौ ऋचाएँ पहले से ही विद्यमान है। नौ ऋचाओं का क्रम को बदल बदल करके जो गा रहे हैं, एक विशेष संज्ञा दी गई, इसीलिए इसे त्रिवृत एक नाम ही है, गुणा करना अर्थ नहीं है, मल्टीप्लाई अर्थ में नहीं है, यह संज्ञा है, नेम है ये। इसे त्रिवृत शब्द ईदृशम स्तोम स्वरूपम अर्थ, इसलिए इस प्रकार के स्तोम स्वरूप त्रिवृत शब्द का अर्थ है, न तो त्रिगुण्यम, यह बात पूर्वपाद में ही निर्णय हो चुका है, पूर्वपाद में ही निर्णय कर चुके हैं। आप यहाँ पर उसकी प्रक्रिया बता रहे हैं। उत्तर ग्रंथे भष्पमान सूक्तेभ्य त्रिभ्य ऊर्धम, अब आएंगे आज स्त्रोत्र में। चतवारी सूक्तानी आमनातरी, चार सूक्त पठित है। अग्न आया ही वीतये आद्यम सूक्तम, आ नो मित्रावरणे द्वितीय, आया ही सुषुमाही इति तृतीय, इंद्राग्नि आगत सुतम इति चतुर्थम, तान्येतानि प्रात सवने गायत्र सामना गीयमानानि चत्वारी आज स्त्रोत्राणि उच्यन्ते। वे यह जो स्तोत्र हैं इनको प्रातः सवन काल में इनको भी गायत्री शाम से ही गाया जाएगा, गीयमानानि, ये चार होने के नाते इनका नाम आज स्त्रोत्राणि उच्यन्ते। इनसे घी से क्या लेना देना है, यानी ये अर्थ घी है ही नहीं, रूढ़ार्थ घी है, यह नाम है ना, आज जो नाम है इन चार स्त्रोत्रों का, इन नाम क्यों पड़ा, आज क्या अर्थ क्या है, यहाँ घी नहीं लेना है। आजी, आजी किसको कहते हैं, मराठी आजी नहीं है यहाँ पर, संस्कृत आजी है, नहीं तो नानी अर्थ ले आओगे, आजी मैंने नानी दादी, वो यहाँ नहीं है। संस्कृत में आजी कहते हैं जो दौड़ का अवधि को, आज है शरणम, 100 मीटर की दौड़ होता है ना, यहाँ आदमी खड़ा कर दिया, यहाँ से चलो लाइन लगा देते हैं, 100 मीटर पे एक लाइन लगेगा, वहाँ 100 मीटर का रेस है, वहाँ 100 मीटर लाइन लग गया, और यहाँ से पिस्तौल में ठैं भागते, जो पहला पार कर गया ओके आज ही का शरण कर दिया। संस्कृत में क्या उसका नाम, आज ही, अनेन प्रथमम श्रुतम, अतएव प्रथम पुरस्कार उसको मिलेगा, गोल्ड मेडल बोलते हैं, स्वर्ण पदक मिलेगा उसका नाम आज ही। वो जो अवधि तय किया जाता है, चाहे चलने में दौड़ने में कूदने में जो भी हो, उस अवधि का नाम आज ही। यहाँ भी यज्ञ का प्रातःकालीन जो यज्ञ का हिस्सा का अवधि को पार कर रहे हैं, इसे उसका नाम आज स्तोत्र, वहाँ के स्वयं समझा रहे, देखिए तन निर्वचन च श्रूयते, उसका निर्वचन स्वयं श्रुति ने कर दिया, इसका नाम आज ही आज्यम क्यों पड़ा, यत आजीम ई यूहो, देखो यद आजिम ई यूहो, आजिम ने अवधि को ई यूहो पार कर गए, इसे उसका नाम आजम। यद आजिम ई यूहो तद आज्ञा नाम आज्यत्वम, यही आज स्तोत्रों की आज्यत्व, ये लक्ष्य को अवधि को प्राप्त कर गए। इति तेषु आज स्तोत्रेषु पंचदश नाम स्तोभते, ये चार है, ये चार को आपको 15 बनाना है, चार सूक्त है उनको 15 बना के गाना है आपने, कैसे बनेगा 15,
जैसे तीन सूत को आपने नौ बनाए, पृथ्वी तीन प्रकार से अपने बनाए थे, यहाँ आप कैसे बनाएंगे पंद्रह, वो बता रहे हैं। तस्य स्तोमस्य विष्टुतिरेवम आमनायते, उस स्तोम का जो विस्तार करने की प्रक्रिया, विष्टुति मान विस्तार करने की प्रक्रिया ऐसे बताई गई है। क्या बताया गया? पंचभ्यो हिंगकरोति स तिस्रवि स एकया पंचभ्यो हिंगकरोति स तिस्रवि स एकया पंचभ्यो हिंगकरोति स एकया स तिस्रवि रीति। देखो यहाँ पर क्या करना है, पाँच 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 पंद्रह बनानी है ना। पहला सूक्त को तीन बार कर दो, फिर दूसरे को एक बार, तीसरे को एक बार, हो गया ना पांच। फिर दूसरी बार में क्या करना, पहले को एक ही बार करना, बीच वाले को तीन बार कर देना, अंत वाले को एक बार करना, पांच हो गया। तीसरे बार में पहले वाले को एक बार, दूसरे वाले को एक बार, तीसरे वाले को तीन बार कर देना, तीन एक एक, एक तीन एक, एक एक तीन, पांच दिया पंद्रह हो गया। यहाँ मैंने बताया विधि कर दिया किस स्तोत्र को, किस सूक्त को कब तीन बार करनी है। पहले जो है पर्याय में पहला सूक्त को तीन बार करनी है और अन्य दो सूक्तों को एक एक बार करना है। दूसरी पर्याय में पहले सूक्त को एक बार, ये समझा रहे हैं, देख लो स्पष्ट है के साथ साथ समझो। पंचभ्यो हिंग करोति स तीसरी भी है ना, पहला सूक्त को तीन बार करो स एक, दूसरे को एक बार करो स एक, या तीसरे को भी एक बार करो, पांच हो गया। फिर दूसरे पर्याय में पंचभ्यो हिंग करोति स एक, या पहला सूत्र को एक बार करो स तीसरे भी, दूसरे सूत्र को तीन बार करो स एक, या तीसरे सूत्र को एक बार करो। फिर पंचभ्यो हिंग करोति तीसरी पर्याय में क्या करना है, स एक, या पहला सूत्र को एक बार स एक, या दूसरे सूत्र को एक बार, फिर सात तीसरी वृत्ति, तीसरे सूत्र को तीन बार कर लो, पांच पांच हो गए। इस तरह से इति एकम सूक्तम त्रिर आवर्तनीयम, इस प्रकार से पहला सूत्र को तीन बार आवर्ति, दूसरे पर्याय में दूसरे सूत्र को, तीसरे पर्याय में तीसरे सूत्र को तीन बार आवर्ति करने से कुल पंद्रह हो जाता है। तत्र प्रथमावृत्तो प्रथमाया ऋचस्त्रिराभ्यास, द्वितीयावृत्ति में मध्यमाम आवृत्ति होगी, तृतीयावृत्ति में उत्तमाया, इस तरह से स्वयं पंचदशस्तोम, इस प्रकार से पंचदशस्तोम वाला स्तोत्र का पाठ जो है भैष्पमान के अनंतर प्रातः सवन में किया जाता है। उसके बाद आपका माध्यान्ह सवन आता है, माध्यान्ह सवन दोपहर का कालीन यज्ञ, प्रातः सवन निपट गया, चाय नाश्ता करेंगे सब फड़ारी, उसके बाद थोड़ी विश्राम हो गया, फिर शुरू हो जाता है माध्यान्ह सवन। माध्यान्ह सवन में भी कर्मकांड के साथ में माध्यान्ह सवन नाम का पाठ होगा और पृष्ठ स्तोत्र का पाठ होगा। या माध्यान्ह सवन का विस्तार नहीं करेंगे, आपको समझाएंगे नहीं कि जरूरत नहीं है, या प्रकरण चल रहा है भैष्पमान पृष्ठ आज और पृष्ठ का, भैष्पमान का अर्थ बता दिया, आज का अर्थ बता दिया, पृष्ठ का बताना है, लेकिन क्रम बताने के लिए बता दे रहे उक्तेभ्य चतुर्भ्य सूक्तेभ्य ऊर्ध्वम उत्तराग्रंथ में ही त्रीणि माध्यान्ह पवमान सूक्तानि आमनाय, तीन जो है माध्यान्ह पवमान के सूक्तों को पाठ कर लिया। तथा ऊर्ध्वम उसे ऊर्ध्व में चत्वारि सूक्तानि आमनातानि, फिर चार सूक्त का पाठ किया, उन्हीं का नाम है पृष्ठ स्तोत्र। तेषु अभित्वा शूर नोनुम, ये आद्य सूक्त का आरंभिक मंत्र है, कयानश्चित्र आभुवदीति ऊतये इति द्वितीय सूक्त है, तम वो दसमम रितिशहम इति तृतीय, तरोभिर्वो विद्वद् विद्वद्वसुमिति चतुर्थम, एतानि क्रमेण रतंतर वामदेव्य नौ दश और कालय सामभिर माध्यान्ह सवने गीयमानानी, इनके प्रत्येक के साम अलग अलग, वहाँ पर क्या था सभी सूक्तों को गायत्री साम से ही गाए थे, चाहे वो माध्यम भैष्पमान हो चाहे आज्य स्तोत्र हो, लेकिन पृष्ठ स्तोत्र में चार सूक्त है, चारों सूक्तों के साम अलग अलग है, क्रम से बता दिया
पहले वाला रतंत्र श्याम, दूसरे वाला वामदेव श्याम, तीसरे वाला नवधस श्याम, चौथे वाला कालेय नामक श्याम भी माध्यन सवन गानी पृष्ठ स्त्रोत्रुच्चंत है। इनका नाम पृष्ठ स्त्रोत्र क्या हुआ? पृष्ठ मैंने पीठ होता है, कद अर्थ नहीं है। स्पर्शनाथ पृष्ठमित्येव स्पृष्टम के सकार गायब कर दिया छांदस। स्पर्शनात् पृष्ठम होना चाहिए क्या था? स्पर्शनात् स्पृष्टम होना चाहिए था, लेकिन स को लोप कर दिया छांदस और पृष्ठम में नामकरण कर दिया। इन चार सूक्तों को इन चार सामों में जो गाया जाए तब उसका नाम पड़ गया। इन चार सामों से स्पृष्ट है कौन? ये चार सूक्त, इसे इसका नाम स्पृष्ट स्तोत्र होना चाहिए। सब छांद श्लोक कर दिया, पृष्ठ स्तोत्र नाम रख दिया। स्पर्शनात् पृष्ठानि इत्येवं निरुक्तिर द्रष्टव्या तेषु स्तोत्रेषु शब्द स्तोमो भवति। अब ये चार है, चार को सत्र कैसे बनाएंगे? चार को चार सोलह होता, सत्र भी कैसे हो पाएगा? तरीका बता दिया उसकी। तस्य स्तोमस्य विस्तुतिर एवं मामृते, स्तोम के विस्तार चार को सत्र बनाने की प्रक्रिया इस तरह से वर्णन किया। पंचभ्यो हिं करोति, पहले पांच ही पाठ करना है। पांच पाठ कैसे करोगे? पहला वाला कितना? स तिस्रवी, स एक कया, स एक कया। पहला सूक्त को तीन बार, दूसरे सूक्त को एक बार, तीसरे सूक्त को एक बार, चौथे सूक्त को बोलना ही नहीं। पंचभ्यो हिं करोति स एक कया, स तिस्रवी, स एक कया। अब पहले वाले को एक बार, दूसरे वाले को तीन बार, तीसरे वाले को एक बार, पांच और पांच दस हो गया। अगली बार क्या हमें सात करना है? देख दे, सप्तभ्यो हिं करोति स एक कया, स तिस्रवी, स तिस्रवी। वह क्या करेगा? पहले वाले को एक बार, दूसरे वाले को तीन बार, तीसरे वाले को तीन बार कर देगा, सात हो जाएगा। इस तरह से प्रक्रिया से सत्र बना लेना। अत्र प्रथमावृत्तो प्रथमाया ऋच स्त्रिरभ्यास, द्वितीयावृत्तो मध्यमाया, तृतीयावृत्तो मध्यमोत्तमयो, दोनों का स्वयं सप्तदशस्तोम, ये सप्तदशस्तोम से पाठ करने का नियम हुआ। अत्र त्रिशोपि वाक्येषु त्रिवृत्त पंचदश सप्तदश शब्दाः गुण विधायकत्वेन सम्मता। अब पूर्व पक्ष ये बता दिया कर्मकांड में क्या होता है, कैसे होता है। अब यह संशय क्या हो रहा है? ये त्रिवृत्त का अर्थ क्या लेना, पंचदश का अर्थ क्या लेना, सप्तदश का अर्थ क्या लेना, आवृत्ति मात्र लेना? एक जो विशेष बताया विस्तुति संज्ञाएं, ये संज्ञा दे त्रिवृत्त स्थान नामक स्तोम, पंचदश नामक स्तोम, सप्तदश नामक स्तोम, नाम लोगे उसे नामी का विशेष स्वरूप सामने में आए। से नाम मानना सिद्धांत पक्ष है। पूर्व पक्ष कहते हैं क्या नाम नोम करना है, गिनो सीधे सीधे, तीन है, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन करते जाओ, पंद्रह लगे होगी छुट्टी होगी। ये विशेष प्रक्रिया को क्यों स्वीकार करना है? पूर्व पक्ष का यह है। अत्र त्रिशोपि वाक्येषु, तीनों वाक्यों में आया हुआ जो त्रिवृत्त शब्द है, पंचदश शब्द है, सप्तदश शब्द है, गुण विधायकत्व न संबंधता, गुण विधायक मानता है पूर्व पक्ष। यदि भविष्यमान आज पृष्ठ शब्द आपि गुण विधेयक स्यु, यदि हम भविष्यमान को आज को पृष्ठ इन शब्दों को भी गुण विधायक मान ले, सबको गुण विधायक मान लो, तदा प्रत्युदाहरण गुणद्वय विधान आज वाक्य भेद स्यात्। इस प्रत्युदाहरण माना जाएगा फिर तो, ये तो चित्रा जो हमारे दृष्टांत है उसके प्रति विरुद्ध उदाहरण हो जाएगा, या वाक्य भेद दोष रह जाएगा। एक वाक्य से दो का विधान करने वाक्य में दोष है। यहाँ पर क्या कर रहे हैं? त्रिवृत्त आदि को भी विधान कर रहे हैं और साथ साथ आप भैष्पोहन आदियों को भी विधान कर रहे हैं। दो दो का विधान करोगे तो वाक्य में दोष हो जाएगा। इसे हमें करना क्या है? तस्मात भैष्मान शब्द स्त्रोत्र नामधेयानी तैर नाम भी कर्माणी अनूद्य, उन नामों के द्वारा कर्मों का अनुवाद करके उसमें त्रिवृत्त आदि गुणा विधियंते, त्रिवृत्त आदि गुण मात्र का विधान, त्रिवृत्त आदि गुण परक हो जाएंगे और भविष्यपान आदि नाम परक हो जाएंगे, वाक्य में दोष दूर हो जाता है। ये यहाँ मुख्य सिद्धांत है। अब इसके बाद आता है तत्प्रज्ञ शास्त्र न्याय के आधार पर नामधेय सिद्धि करना।
दो हेतु हो गए ना अभी। पहला हेतु क्या था? मत्प्रत लक्षणा भयात, इसे मत्प्रत भयाधिकरण बता दिया था। दूसरा था वाक्य भेद भयाधिकरणम, और तीसरा आ जाए तत्प्रख्य शास्त्राधिकरणम। इसका नाम है तत्प्रख्य शास्त्राधिकरणम। यह अग्निहोत्र शब्द पर विचार करना है। अग्निहोत्र शब्द भी संज्ञा पर लिया जाए या समास करके व्युत्पत्ति करके पदार्थ द्रव्य पर लिया जाए, अग्नि पर लिया जाए, क्या करना है? अग्निहोत्रम ज्योत्याघार माघार्यतीत्यमु विधेयो गुण संस्कारो आहोस्वित कर्म नामनी। अग्निहोत्रम मत्रेति बहुव्रीगत अनलः गुणो विधेयो नामत्वे रूपम नस्या शरद घृते। संस्क्रिय आघार माघारितित्युक्ता द्वितीयया आघारेत्यग्निहोत्रेति योग के कर्म नामनी। अग्निर्ज्योतिर्जि प्रोक्तो मंत्रा देवस्तथा घृतम चतुर्गृहीत वाक्योक्तम द्वितीयांगति न आसादिते ही धात्वर्थे कर्णत्वं ततोऽस्य सा साध्यतां वक्ति संस्कारो नैवाशंक्य क्रियात्वतः। दो वाक्य अग्निहोत्रम ज्योति और आघारम माघारयति इति अमु, ये दो विषय वाक्य इस अधिकरण का। अग्निहोत्रम ज्योति इस वाक्य में अग्निहोत्र शब्द का क्या अर्थ नहीं लिया जाए, नाम माना जाए या अग्नि आदि वस्तु का बोधक माना जाए। और आघारम माघारयति, आघारम आघारयति घी का जो है विशेष तरीके से गिराया जाता है हवन कुंड में, उसे आघारम आघारयति कहा जाता है, आघार आहुति। उसको भी क्या नाम माना जाए या उस क्रिया विशेष को तरफ से घटाया जाए? पूर्व पक्ष कहता है विधेयो गुण संस्कारो, अग्निहोत्र शब्द से गुण का विधि करो और आघार शब्द से संस्कार का विधान कर दो। विधेयो गुण संस्कारो आओस्वित कर्म नामनी, अत इन दोनों शब्दों को कर्म का नाम मानी जाए। कर्म नामनी द्विवचन नपुंसकलिंग है ना, दीर्घ, इसलिए कर्म नामनी, कर्म नाम, कर्म नामनी, कर्म नामानी, नाम नामनी नामानी बनता है नपुंसक। इन दोनों को कर्म का नाम माननी चाहिए सिद्धांत। पूर्व पक्ष कहता है अग्निहोत्र को गुण पर घटाओ और आघार शब्द को संस्कार पर घटाना चाहिए। सिद्धांत कहते नहीं, कर्म के नाम होने चाहिए। क्यों? पूर्व पक्ष को पहले समझे। पूर्व पक्ष क्या समास मान रहा है? अग्नये होत्रम अत्र, अधिकरण पर ले लो, अग्नये होत्रम अत्र, ऐसे अधिकरण पर लीजिए। किस अधिकरण में अग्नि की आहुति दी जाती है? अग्नि देवता के लिए हुयते अत्र, किसमें देंगे? अग्नि में तो स्वाहा करेंगे, अग्नये स्वाहा इंद्राय स्वाहा करके कहाँ डाल रहा हूँ मैं? अग्नि में डाल रहा हूँ। इसे अग्निहोत्र शब्द का क्या हो गया? अग्नि रूपी द्रव्य पदार्थ हो गया, याग का एक रूप हो गया। पूर्व पक्षी बहुवरी समास करके अग्नि की ओर ले जाना चाहता है। अग्निहोत्र में तीते बहुवरी गतो अनलह, मनाल मैंने अग्नि को ले लो, और गुणो विधे, इसलिए अग्नि रूपी गुण का विधान कर देते हैं। यागस्य द्वे रूपे न, दो गुण है, द्रव्य और देवता। अनल भी एक द्रव्य है, जिसमें आहुति देना है वो भी एक द्रव्य है मेरा, वो गुण विधि हो जाएगा। रूपम न स्यात् शरद हृदय गुणो विधेयो विधेयो नामत्वे रूपम न स्यात्। यदि इसका नाम पर कहोगे रूप कहाँ है, मैंने द्रव्य देवता कहाँ है? यदि अग्निहोत्र याग का नाम है, फिर अग्निहोत्र याग जो याग जिसका नाम आप याग का नाम अग्निहोत्र कर रहे हो, उसका द्रव्य क्या है, उसका देवता क्या है? रूप तो है ही नहीं, इसलिए इसे गुण विधि मानो, ये पूर्व पक्ष कह रहा है। अब आता है शरद घृते संस्क्रिय आघार माघारितुक्तिया उक्तया द्वितीयया, उक्तिया द्वितीयया इत्युक्ता, संस्कार को ही कहा गया द्वितीयया उक्ता, ऐसा अनुवाद करूँगा। द्वितीय व्यक्ति ने आघारम आघारयति,
आधारम, जो द्वितीय विभक्ति है, और द्वितीय विभक्ति क्या कर रही है, संस्क्रियमाण क्षरद घृत है, घी को टपकाया जा रहा है ना, ये विशेष तरीके से टपकाया जाता है। वो जो टपकाना रूपी जो संस्कार है, वो संस्कार का जो है विधान क्रिया, संस्कार जो क्रिया है उसको ही आकार सबसे कहा गया, नाम नहीं मान रहा पूर्व पक्षी। क्षरद घृते संस्क्रिया आघारम, आघार यति, उस संस्क्रिया को संस्कार को ही आघारम द्वितीय विभक्ति के द्वारा उक्ता। आघार इत्यग्निहोत्रेति, या तो पूर्व पक्ष हो गया, सिद्धांत कहते हैं नहीं नहीं, आघार इति और अग्निहोत्र इति ये दोनों यौगिक कर्म नामानी नामनी, यौगिक कर्म नाम है, कर्म का नाम है, नाम नहीं, रूढ़ नहीं है, ये रूढ़ नहीं, यौगिक। शब्द कितने प्रकार के होते हैं, चार, कौन से, रूढ़ यौगिक योग रूढ़ यौगिक रूढ़, उनमें से ये यौगिक समझो, ये कह दिया। अरे फिर पूर्व पक्ष ने कहा था ना, यदि उसका नाम मानोगे तो रूप तो है ही नहीं, द्रव्य देवता नहीं है, कहते है अग्निर्ज्योतिर ज्योतिरग्नि स्वाहा, ये मंत्र वर्ण में देवता वर्णन कर दिया, मंत्र वर्ण है, तद्धित है और चतुर्थी है, चतुर्थी अंत, सबसे प्रबल वास्तव में चतुर्थी, क्यों आप बोलते हो ना अग्नये स्वाहा, चतुर्थी बोलूंगा मैं, चतुर्थी अंत सबसे प्रबल, उसके बाद मंत्र वर्ण प्रथमांत है, अग्निर ज्योतिर ज्योतिर अग्नि प्रथमा है, ये आपका उससे दुर्बल, उससे दुर्बल कौन है, ये भी प्रयोग काल में बोल रहा है, प्रयोग काल में बोले अग्निर ज्योतिर ज्योतिर अग्नि स्वाहित प्रातर जो होती प्रजापते, ना प्रजापति के लिए होता है सायंकाल, इस तरह अलग अलग टाइम के अलग अलग मंत्र है, मंत्र है वो तो प्रयोग काल में आने वाला है, इसे चतुर्थी से थोड़ा दुर्बल है, चतुर्थ संप्रदान वाचक है ना, इसे ज़्यादा प्रबल है, उसे दुर्बल कौन होगा, सासी देवता से ग्रहण करते तजितांत, ऐंद्रम दधि ऐंद्रम पया, ये सब जो होता तजितांत वो दुर्बल है अत्यंत, इसलिए अत्यंत दुर्बल तैत्य, उसे प्रबल मंत्र, उसे प्रबल है चतुर्थ्यंत। अरे मंत्र वर्ण से हमको देवता मिल रहा है, कैसे कहते हैं रूप नहीं है, और हमेशा सगल यागों के लिए आज जी तो द्रव्य है ही, इसे देवता भी मिल गया द्रव्य मिल गया, हम क्यों इसको द्रव्य प्रकट आए, गुण की विधि क्यों माने, इसे इसको अग्निहोत्र को नाम मानने चाहिए। मंत्रा देवस, मंत्र से देवता प्राप्त हो रहा है, और घी तो समस्त आहुतियों में है ही सामान्य, द्रव्य प्राप्त है, तथा घृतम चतुर्गृहित वाक्योक्तम, इसलिए चतुर्गृहित वाक्य, एक वाक्य है विधि वाक्य चतुर्गृहित इत्यादि बोलते हैं, उस वाक्य से मुझे घी रूपी द्रव्य प्राप्त है, और पात्र में ग्रहण करते हुए तो संस्कार हो चुका, अलग संस्कार टपकाने को संस्कार न मानने की जरूरत नहीं है, क्षरद घृत का संस्कार को मानने की जरूरत नहीं है, किंतु उसका नाम दे मान लो, इसलिए फिर द्वितीय विभक्ति का क्या होगा, पूर्व पक्ष कहेगा द्वितीयास्तु यंगति नाम नासाधित्य ही धात्वर्ते कर्णत्तम ततो अस्य सा, धात्वर्थ के आसाधन संबंध किए बिना उसे कर्णत्व कुछ भी नहीं आ सकता, धात्वर्ते आसा नासाधित्य मैंने असंबद्ध सत्य कर्णत्व बिना ततो अस्य सा, इसलिए इसको नाम मानना ही ठीक है, विस्तार आएगा। साध्यताम वक्ति संस्कारो नैव आशंग्य क्रियात्वतः, और संस्कार जो है उसकी साध्यता से ज्ञापन हो जाता है, इसलिए क्रिया की वजह से जो संस्कारता के प्राज्ञा ज्ञान हो रहा है उसके विषय में आशंका करने की कोई जरूरत नहीं है।